हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम लोग कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और नेवी, SSRMR सबका मिक्स करके और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जीके का टॉप 500 का जो सीरीज चल रहा था, ये पार्ट थर्ड है। दो पार्ट हमने कर लिया। और आप लोग जो इंग्लिश टॉप 200 के लिए बेचैन हो ना, बेचैन ही बंद कर दो। एक दिन में मैं एक वीडियो में 50 रूल कराऊंगा। ऐसे करके मैं 3 वीडियो से 4 वीडियो के अंदर वो चीज़ कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, उसकी वजह से मैं उसमें बिजी हूँ। अब आग लगे कुआं खुदवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ना आने वाले 3 वीडियोस के अंदर टॉप 200, मतलब 2 दिन वेट कर लो, टॉप 200 के रूल्स के ना इंग्लिश के वीडियोस को कंप्लीट कर दूंगा 3 वीडियोस के अंदर। आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। वो चीज़ मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऑलमोस्ट सारे वीडियो का कमेंट सेक्शन में देखो ना, तो सर इंग्लिश टॉप 200, इंग्लिश टॉप 200, ठीक है। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था उससे, तो आगे भी होगा, बीच में नहीं छोड़ने का अपने को, ठीक है। तो चलो, ये चीज़ है, हम लोग करेंगे इंग्लिश जीके का भी। और जीके का कंटिन्यू करने से पहले कहूँगा कि अभी जो है ना, मैथमेटिक्स टॉप 500 का जो सीरीज का जो ये PDF था, ये मार्केट में आ चुका है। आप इसको बाई करके, मार्केट कहने का मतलब हमारे पास है, बन चुका है ये, बाई करके इसको 2-3 बार एग्जाम से पहले लगा लो। वाई ग्रुप में आप एक मैथ नहीं छूटेगा अगर आप कंसेप्ट के साथ इसको बना लेते हो तो। इसको बाई करने के लिए ना आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे और ये सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा PDF के अंदर। आपको एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आप देख पाओगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। साथ ही आपकी अगर वोकैबुलरीज वीक है तो 600 प्लस वोकैब हमने इस PDF के अंदर दिया है, इसको रट लो। 99.9% चांसेस है कि वोकैब यहीं से आएगी। इसको भी बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो। साथ ही साथ रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग अगर 15 में 15 लेना है तो मेरी PDF को 2 से 3 बार बना के खत्म कर डालो। वर्बल नॉन वर्बल दोनों है इसके अंदर, ठीक है। लगभग 500 क्वेश्चन है। तो ये तीनों PDF अभी आपके पास अवेलेबल है हमारे टीम मेंबर के पास, तो व्हाट्सअप करो हमारे दिए गए व्हाट्सअप पे और जाके वहां से PDF बाई कर लो। और अगर आपको फुल मॉक टेस्ट चाहिए वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की फुल मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन के ऊपर है, A to Z स्टडी के एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप जाके वहां से एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज बाई करके लगा सकते हो। 25+ टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन भी टेस्ट सीरीज का मिल जाता है आपको। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ये सभी चीज़ें कि चीन की मुद्रा क्या है, कल किया था ना रेड क्रॉस के संस्थापक, अच्छा हाँ घुस गया, ठीक है। अब नज़र आ रहा होगा आपको चीन की मुद्रा क्या है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा। तो ये सभी चीज़ों को कल हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज इससे आगे बढ़ के देखेंगे कि आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन देखो, भारत कोकिला कौन कहलाती है, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जाना जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ आता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता था और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता है, दोनों में अंतर है। भारत कोकिला मतलब भारत की कोयल, नाइटिंगल, नाइटिंगल ऑफ इंडिया। स्वर कोकिला मतलब सुर, मतलब जो गाती है ना उनको, तो वो लता मंगेशकर जी थी। और भारत कोकिला नाइटिंगल जो कहा जाता है वो इनको, सरोजिनी नायडू जी को, ठीक है। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, बनवाना उसका नींव डला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था। आगे देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के BHU जो है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका फाउंडर कौन किया था भाई, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ये चीज याद रखो आप। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जाए तो देखो, अर्थशास्त्र कुछ लोग कहते हैं ना एडम स्मिथ, बट एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये बुक है, ठीक है। और ये ना, एक चीज मैं यहाँ पे सुधार देना चाहूंगा कि ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स की जगह पे ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र लिखना था, मैं इसको सुधार देता हूँ। तो अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इकोनॉमिक्स नहीं अर्थशास्त्र है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जो कि इसको करेक्शन कर दिया गया है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है, अर्थशास्त्र अलग चीज़ है। और जो अर्थशास्त्र है ये एक बुक का नाम ही है, जिसके ऑथर या फिर राइटर जिसको हम लोग चाणक्य या फिर कौटिल या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या फिर कौटिल, तीनों एक ही इंसान का नाम है। आगे देखते हैं, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर है, ठीक है। तो नेपाल की राजधानी है वही इसका, वहीं पर क्या हेडक्वार्टर्स भी है सार्क का। अगला है कि सार्क में कितने देश जो है वो कितने मेंबर्स हैं, ये चीज़ है। तो टोटल जो है 8 मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं सारा लिख रखा है। और कभी कभार पूछ लेता है इनमें से कौन सा एक सार्क का मेंबर नहीं है, तो इनमें से किसी 3 को लेके और चौथा कुछ बाहर से कंट्री का नाम डाल देगा और बोलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट सार्क का फुल फॉर्म आपको याद रखना है और इनका जो है ना अठों का नाम याद रखना है। बिल्कुल भी ईजी है, सारे हमारे
पड़ोस की कंट्री जैसे इंडिया, अपना इंडिया हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट पड़ोस के कंट्री है, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। भारत की तट रेखा की जो है लंबाई कितनी है, ये कभी कभार एग्जाम में देते हैं, तो 7516, ठीक है, किलोमीटर में होगा ना कि मीटर में। आगे देखो, कह रहा विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वो चाइना, जिसको अभ्रक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना ही करता है अभी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक माइका का ग्राफ बना रखा है, कौन सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पे चाइना, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, मेडागास्कर जो भी है यहाँ पे है, बट मेनली आपको चाइना याद करना है। ग्रैंड ट्रैक रोक किसने बनवाया था, ये ग्रैंड ट्रक नहीं, ग्रैंड ट्रैंक जो है इंग्लिश में लिखा है वो बिल्कुल भी सही है, जिसको शेरशाह सूरी ने लिखवाया था। और एक चीज कुछ पूछता है आपके एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का टॉम्ब या फिर शेरशाह सूरी का मकबरा वो कहाँ पे है, भारत में कहाँ पे है, तो वो बिहार के सासाराम के अंदर है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से होने वाला बीमारी जो है वो बेरीबेरी है, जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट है। विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, स्कर्वी बीमारी, ठीक है, तो स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की वजह से, और विटामिन सी मेनली कि इसमें खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, इन सभी चीज़ों में। आगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, अगर विटामिन सी का यूज़ कर दे दूध के अंदर, दूध फट जाएगा, लाइक नींबू, नींबू को डाल दो दूध के अंदर, ठीक है, तो वो फट जाएगा दूध, ठीक है, संतरे को डाल दो तो वो फट जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनरली विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो कि एक हड्डियों की बीमारी मानी जाती है, ओके। तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, विटामिन के की कमी से, ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी कहा था, हीमोफीलिया होता है एक, जिसमें कि ब्लड जल्दी क्या होता है, स्राव होगा, ब्लड निकलेगा तो जल्दी वो क्लॉटिंग नहीं बनेगा, मतलब जमेगा नहीं, बहते रह जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जो बांझपन, इनफर्टिलिटी जो आता है। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो वो हो जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन ए एंड ई, ये दोनों वसा में घुलनशील विटामिन है, इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O लिखते हैं हम लोग, ये N2O नीचे आ जाता है बेस में, तो N2O लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे धावन सोडा या फिर धोवन सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कहते हैं हम लोग किसको, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाले सोडा को कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, आगे याद रखोगे। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, मिश्रण है, तो पीतल जनरली कॉपर और जिंक को मिला के क्या बनता है आपका, ब्रास बनता है, ठीक है, पीतल बनता है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, देखो विटामिन सी का रासायनिक नाम मैंने बोला एस्कॉर्बिक एसिड है, तो उसी प्रकार कैल्सीफेरॉल भी किसी विटामिन का है, वो विटामिन डी का है, ठीक है। और अगला कह रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग जो है आंख का दान किया जाता है, तो वो नेत्रदान के अंदर इंसान क्या करता है, कॉर्निया को दान करता है, कॉर्निया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बार बार। फिर कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन में कौन सा भाई, B12 है, B12 के अंदर कौन सा पाया जाता है, या फिर उल्टा करके पूछेगा विटामिन B12 के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये चीज़ आप पूछोगे यहाँ से आएगा। कोशिका का पावर हाउस, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन साइंस के बायोलॉजी से है, और एयरफोर्स के अंदर बायोलॉजी भी कभी कभार दे देते हैं। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी बोले तो आरबीसी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो रेड ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस लिखा जाता है, बट मेनली यहाँ पर लोग रेड ब्लड सेल्स ही लिखते हैं, तो इनका फुल फॉर्म तो पूछ लेता है कभी कभार, या फिर कह रहा है आरबीसी का निर्माण या फिर रक्त रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो इंग्लिश में कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्फिग्नोमैनोमीटर के अंदर किसी भी टाइप का ना लेंस का यूज नहीं होता है, ठीक है, मैंने ये चीज़ क्यों बताया, आपको एग्जाम में कभी आ जाएगा तो सब खुद समझ में आ जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर के अंदर कभी भी लेंस का यूज नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। आगे देखो, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी है रोम, रोम का फुल फॉर्म कभी कभार आता है, याद रखना रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और ये एक परमानेंट मेमोरी है। रैम होता है एक, तो वो क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैसे मैं फुल फॉर्म के भी क्वेश्चंस करा दूंगा, टेंशन नहीं लो।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा आपसे तो एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया कह दोगे आप। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको बनाने वाला राजाराम प्रथम चोल ने बनाया था, ठीक है। चलो बीबी यही है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था पूछ लेता है, ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट, ठीक है। आगे देखो 235 कह रहा है हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये भी चीज़ें मैंने शायद कल कुछ कुछ सिटी बताया था वो किस नदी पे है, जैसे कोलकाता बताया था हुगली नदी पे आपको, और भी कुछ कुछ नदी जैसे मैंने आपको बताया था, याद नहीं है कल कुछ कुछ बताया था, तो वैसे हैदराबाद जो है मुसी, और कल मैंने ये बताया था ना गोमती नदी किनारे लखनऊ, ये सभी चीज़ें बताई थी कल के पार्ट में, सेकंड पार्ट के अंदर, वैसे ही हैदराबाद मुसी के किनारे है, ठीक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का मैक्सिको। सिल्वर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैक्सिको के अंदर। और माइका बोले तो अभ्रक चाइना के अंदर। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एरिया वाइज भी, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान देना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जब दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है ना, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही, आपने संसद में बहुत बार सुना भी ये होगा ये सभी चीज़ें कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वही करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवलकर, सॉरी ठीक है, जीवी मालवलकर मतलब यहाँ पे जीवी मालवलकर मैंने बोल दिया शॉर्ट में, बट इनका फुल फॉर्म था गणेश वासुदेव मालवलकर, ठीक है। अभी नहीं को देखो मैं ना जीवी मालवलकर बोल के सॉरी इसीलिए बोला ना, क्योंकि वो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ लिख नहीं पा रहे हम लोग, हाँ ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन्हीं को शॉर्ट में, कहीं कहीं ना जी वी मालवलकर लिख देते हैं, मालवलंकर, ठीक है, मालवलंकर ऐसे करके, तो आपको ध्यान देना। और ये जी वी मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया, ठीक है, पर ठीक है आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, गणेश वासुदेव मालवलकर या फिर जी वी मालवलकर। आए करो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल वाइज राजस्थान है। पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट कहाँ? यूपी के अंदर पाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में, फूलों की घाटी के नाम से कहते हैं उत्तराखंड को। तो ये है ना, देखो ये वर्ष 2011 में, 2011 में क्यों है पढ़ो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नव निर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? देखो 2011 में है ना एक नए राज्य का जो हुआ था सूडान का गठन हुआ था, इसकी कैपिटल कहाँ है? और सबसे देखो लास्ट में इसी को ना यूएन के अंदर जोड़ा गया था, तो जुबा सूडान की कैपिटल है। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है योजना आयोग, ठीक है। आगे देखो, और यही है नीति, नीति आयोग के नाम से भी इसी को जाना जाता है, योजना आयोग को ही। आगे देखो, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल, इसका आंसर यहीं पे दे रखा है, इंग्लिश में नीचे दे रखा है, हिंदी में देखो ऊपर, अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल, अब्दुल नहीं अबुल फजल। होपमैन कप, ये जो कप है इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। होपमैन कप किस खेल में दिया जाता है स्पोर्ट्स में? टेनिस में दिया जाता है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो और 24 होती है, सबको पता है। भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। आगे देखो, सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज, जो कि कान के अंदर होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ना वो होती है जांघ की हड्डी, फीमर कहते हैं, ठीक है। और टांग की सबसे छोटी हड्डी टीबिया होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मैंने ये दे रखा है क्या, फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 होती है, ओके। मानव शरीर की पेशियां पूछेगा आपसे, मसल्स कितने होते हैं? 639, तो ये चीज़ याद रखोगे। लाल रक्त आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 डेज। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की क्या कहते हैं, परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाने को उसको जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मेनली आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी ऐसा लिखता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, इसको यही लिख देगा हिंदी में भी। आगे देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो लीवर, सबसे बड़ा जो है ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? सर डिगबोई, जो कि असम पे। भारत का सबसे प्रथम तेल रिफाइनरी प्लांट जो था वो डिगबोई थी, जो कि असम के अंदर एक जगह है, वहीं पे बैठाया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता कि कलिंग अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? दो चीज़ें यहाँ से याद रखना, पहले तो चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद, और उसका निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार का कुली कुतुब शाह।
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कभी कभार दे देता है, किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा। कब? तो 1929 में। कहाँ पे? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है? तो मिल्क से, दूध से। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आपका फेरी क्वीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी चालू है, सबसे पुराना है फेरी क्वीन। आई कह रहा, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के टाइम पे, जब चाइनीज ने आक्रमण किया था इंडिया पे 1962 में। ऐसे तो डेट नहीं याद रखना, 1962 याद रखोगे, चलिए 26 अक्टूबर 1962 में ये क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ था पूरा इंडिया के अंदर। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ओके, भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का कौन था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला मुस्लिम था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। फिर 268 में कहा गया, सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? एक मैगस्थनीस था। देखो ये चीज है ना कि देखो, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, जो कि सिकंदर के साथ आया था, फिर ये लोग चले गए थे। उसके बाद सेल्यूकस ने क्या किया, अपने राजदूत को भेजा मैगस्थनीस को, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो ये है सिलोन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, फिर भी श्रीलंका अभी बहुत ही सुना आपने, लगभग कंगाल हो गया है, वैसे वैसे बहुत कर्ज में डूब गया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविल वॉर हुआ था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ में सुनने के लिए मिली थी, इसलिए श्रीलंका वाला थोड़ा याद रखना, सिलोन इसका पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। आगे, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील होती है आयरन, क्रोमियम और निकल को मिलाने पे क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकल, तीन चीजें होती है, आयरन, क्रोमियम और निकल। ठीक है, आगे देखो, कासा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कासा जो होती है वो कॉपर तथा टीन की होती है। कॉपर और टीन का जो है मिश्र धातु क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज अवार्ड मिलते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज, तो ब्रोंज जो होता है वो कॉपर एंड टीन का मिश्र धातु होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो था, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 ईस्वी को हुआ था। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो ये जो होती है ना अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूजल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बोल लो फोर्स। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई के अंदर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कहते हैं खान अब्दुल गफार खान को, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अबुल अब्दुल गफार खान को कहते हैं। आगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फिर हमने बात की अभी ग्रीनलैंड, ठीक है, महाद्वीप कहेगा तो एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, और द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ये कपास के, कॉटन के खेती के लिए क्या होता है आपका? काली मिट्टी जो है ना वो ब्लैक सोइल इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज होता है ना वो अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान के अंदर है, याद रखोगे, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा? अरावली, जो कि राजस्थान के अंदर है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है सर? तो 71% पानी ही पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑब्वियसली वो बांग्लादेश के साथ लगती है। आपने देखा होगा ना कि बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर होता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जुपिटर है, और जुपिटर का ही एक मून है, मून कहने का मतलब इनका सैटेलाइट है, जिसको हम लोग कहते हैं उपग्रह, गैनीमीड, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है, उपग्रह भी है गैनीमीड, जो कि सबसे बड़े ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, सॉरी सबसे बड़े ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमीड, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, वो याद रखोगे। और जुपिटर भी अपने आप में सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ये मैंने इसको हल्के में ले लिया, तो आप इसको हल्के मत लेना, बिहार का शोक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, पूरा बिहार परेशान है इसकी वजह से। आगे देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता है, मतलब मैक्सिमम कौन सी चीज़ें हैं? तो हाइएस्ट लेवल ऑफ परसेंटेज नाइट्रोजन की है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा के अंदर है, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसी को काला पैगोड़ा के नाम से, ब्लैक पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान से अलग हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्यूटर भाषा में www आपने देखा होगा एक वेबसाइट के अंदर, www youtube.com www फलाना ढिमकाना.com ऐसे करके,
इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखो 289 में कह रहा है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं, तो 1 किलोबाइट में 10 से 24 बाइट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट करता है इसको। भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है, ये चीज है। तो जनजाति के बारे में जब भी आपसे पूछे तो हमेशा नाम याद रखना गोंड जनजाति, ठीक है, मेनली आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, वो एनी बेसेंट बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, भारतीय महिला नहीं, सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट अगर भारतीय महिला पूछे तो फिर सरोजनी नायडू। ओके 292 का कह रहा है शहीद आजम के नाम से किन्हें जानते हैं हम लोग, भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को जानते हैं। जनरल डायर जो है उसकी हत्या किसने निकाली थी, जो कि जलियांवाला बाग से, तो उधम सिंह ने, ठीक है। जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसी ने कहा था गोली चलाने के लिए 1919 वाले, 1919 वाले में। आगे देखो बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, ये गवर्नर था कर्जन, वो 1905 में, मतलब 1905 में ईस्वी में इसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। फिर है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मैंने बोला जेवी मालवलकर, मैंने जानबूझ के छोड़ डाला था कि आप कंफ्यूज हो, गणेश वासुदेव मालवलकर, ठीक है, बार बार इंसान के मुंह पे यही रहता है जेवी मालवलकर, जेवी मालवलकर, ठीक है। आगे याद रखो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, मैंने पार्ट वन के अंदर पढ़ाया था आपको। देखो संविधान सभा की जब गठन हुई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उस टाइम पहले मेंबर परमानेंट नहीं थे, तो कुछ एक टेम्प्रेरी मतलब टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट को खोजा गया, किसको बनाया जाता, सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया था, ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे वीवीआई हैं यहीं पे। मोहिनीअट्टम कहाँ से रिलेटेड है सर, केरला से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरला से, ये तीनों लाइन से, और इसके पीछे वाला जो मैंने कुचिपुड़ी बोला, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो हम लोग एक पार्ट में 100-100 क्वेश्चन करके पढ़ते जाएंगे, इसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पूरे 6 या फिर 7 पार्ट के अंदर पूरा जीके कंप्लीट कर देंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 6-7 जीके आएंगे तो 3-4 जीके भी अगर आप सही कर देते हो ना, और मैथ रीजनिंग फोड़ देते हो, इंग्लिश फोड़ देते हो, तो काम चल जाएगा ऑब्वियसली आप, क्योंकि सब में सब जीके सही कर पाना पॉसिबल भी नहीं होता। आगे देखो ये जो मैथमेटिक्स की पीडीएफ है, इसको व्हाट्सअप करके बाई कर लो, मैं कह रहा हूँ बाई कर लो, आप खुद पढ़ लो इसको 2 बार और एग्जाम देके आओगे ना। इस बार कोस्ट गार्ड वाले जो बच्चे एग्जाम देके आए थे ना, वो सारे कह रहे थे सर आपके हमने कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया, सिर्फ आपके YT से, यूट्यूब चैनल से, और आपका पीडीएफ बना के गए थे, आपका टेस्ट सीरीज लगाए थे, वहीं से हमारा जिंदगी पार हो गया। इस बार रिजल्ट आया, सारे जा रहे हैं, पिछली बार के बैच में जो हमारे कोर्सेज को लेके एयरफोर्स वाले पढ़े थे अभी ज्वाइनिंग करने गए वो लोग, मैंने इंटरव्यू भी डाला था उनका, ठीक है। वोकैबुलरीज की और ये क्या कहते हैं रीजनिंग की सारी PDF को बाई कर लो, और साथ में साथ टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो फिर A to Z स्टडी का टेस्ट सीरीज लगाओ, बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, सारे लिंक्स को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।